नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। भारत और श्रीलंका के बीच आज होने वाले दूसरे टी20 मैच से पहले एक बड़ी खबर आ रही। श्रीलंका में भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन भी आइसोलेशन में, क्योंकि वो भारतीय टीम के ही खिलाड़ी कृणाल पांड्या के संपर्क में आए थे। आपको हमने बताया था कि 27 जुलाई को होने वाले मैच से पहले जब कृणाल पांड्या का कोविड टेस्ट हुआ तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद बड़ा फैसला लेते हुए मैच को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद खबरें आई थी कि पॉजिटिव कृणाल के संपर्क में टीम के कुछ और सदस्य भी आए थे, हालांकि बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन कृणाल के संपर्क में आए सभी खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रखा गया। हार्दिक पांड्या, पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, देवदत्त पडिक्कल और कृष्णप्पा गौतम को आइसोलेशन में भेज दिया गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि शिखर धवन भी आइसोलेशन में, वो भी कृणाल पांड्या के संपर्क में आए थे। हालांकि कुछ खबरों की माने तो मैच से पहले सभी खिलाड़ियों का एक बार फिर कोविड टेस्ट किया जाएगा। अगर सभी खिलाड़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव रही तो खिलाड़ी आज के मैच के लिए टीम सिलेक्शन के लिए मौजूद रहेंगे। वही कुछ खबरें ऐसे भी हैं कि धवन की जगह उपकप्तान भुवनेश्वर को टीम की कमान सौंपकर आज का मैच कराया जा सकता है, लेकिन धवन, पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों के बिना आज का मैच होता संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर ये खिलाड़ी मैदान पर नहीं उतरेंगे तो भारतीय टीम में बल्लेबाजों की कोई स्ट्रेंथ नहीं बचेगी। वैसे आपको क्या लगता है, आज दूसरा टी20 मैच हो पाएगा या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।